भांग का नाम सुनते ही अक्सर लोग नशे संबंधित चीजों के बारे में सोचते हैं। हालांकि भांग एक ऐसा पौधा है जो कई तरह के आयुर्वेदिक गुण भी रखता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भांग का इस्तेमाल भांग की चटनी, भांग का नमक, नींबू सानने व अन्य कई चीजों में किया जाता है। आमतौर पर सिलबट्टे पर भांग के पिसे हुए नमक को पहाड़ी ककड़ी, मूली के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। अब इस भांग को लेकर बड़े पैमाने में रिसर्च की जा रही है और इसके औषधीय गुणों को खतरनाक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने पर भी काम चल रहा है। उत्तराखंड में बहुतायत में मिलने वाला भांग कई औषधीय गुणों का धनी है। भांग का वनस्पतिक नाम कैनाबिस इंडिका है। आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर हिमानी पांडे ने न्यूज 18 लोकल को भांग के बारे में काफी रोचक जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में कही जाने वाले वात, पित्त, कफ दोषों में भांग शरीर के कफ दोष को कम करता है। ये तीक्ष्ण स्वभाव का होता है। इसके बीज दस्त, उल्टी को रोकने में कारगर हैं। ये भूख बढ़ाने का भी काम करता है। कुछ शोध बताते हैं कि ये इंसोम्निया यानी नींद ना आने जैसी बीमारी में भी लाभदायक है। भांग जो है हमारे कुमाऊं रीजन में, हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ये सिर्फ एज ए नशा के तौर पे यूज़ होता है वो नहीं है। हमारे जो है माताएं बहनें इसकी चटनी, इसको सब्जी में भी डालती हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ये कफ दोष को कम करता है। ये तीक्ष्ण नेचर का होता है, मतलब तेज स्वभाव का होता है। जो इसके बीज होते हैं वो ग्राही गुण के होते हैं। किसी को दस्त हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो इसके बीज होते हैं दस्त को रोकने वाले होते हैं। अगर वमन की टेंडेंसी हो रही है, नौजिया वॉमिटिंग आ रही है, तो तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ शोधों से ये भी पता चला है कि भांग कैंसर और ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ने में कारगर है। आमतौर पर कैंसर को हटाने के लिए होने वाली सर्जरी ही कैंसरस क्षेत्र के आसपास के माहौल को बदल देती है और बाद में उसके आसपास ही वापस से कैंसर होने का खतरा रहता है। हालांकि शोध में साबित किया गया है कि भांग से बने लिडोकेन के इंजेक्शन को जब कुछ स्तन कैंसर से ग्रसित मरीजों को लगाया गया, तब उसने कैंसर सेल्स को अन्य हिस्सों में फैलने से कम कर दिया। लिडोकेन के एक इंजेक्शन की कीमत 30 रुपये से 40 रुपये तक है। हालांकि ये देखा गया है कि कैंसर से ग्रसित मरीजों को इलाज करवाने के लिए लाखों का खर्च उठाना पड़ता है। यदि भांग से किए गए शोध और सटीक परिणाम देते हैं तो ये खतरनाक बीमारियों को ठीक करने के लिए सस्ती दवा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही ये उत्तराखंड के पहाड़ों में किसानों के रोजगार का भी जरिया बन सकता है। वर्तमान में कई आयुर्वेदिक औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल से हिमांशु, न्यूज 18 लोकल के लिए।